मान लीजिए भारत एक पेड़ है और उस पर 100 आम है, तो भारत में अगर 50 लोग रहते हैं तो हर इंसान को 2 आम मिलते हैं। लेकिन जब आम 100 हो और खाने वाले 1000 हो तो बड़ी ही मुश्किल से 10 लोगों को स्ट्रगल करके 1 आम मिलता है। बस यही हालत हो चुके हैं इंडिया के पॉपुलेशन की। India is set to overtake China to become the most populous country in the world by the middle of this year. That's according to data released by the United Nations. Now, India ने चाइना को पछाड़ दिया है और दुनिया की नंबर वन हाई पॉपुलेशन वाली कंट्री बन गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चाइना ने करीब 1980 से वन चाइल्ड पॉलिसी लाई थी, जिस पॉलिसी का यूज करके चाइना ने उसकी पॉपुलेशन कम कर दी। चाइना को पता था कि आने वाले जनरेशन का फ्यूचर अगर ब्राइट रखना है तो ये पॉलिसी काफी जरूरी है। उन्होंने कायदा इतना स्ट्रिक्ट किया कि अगर दूसरा बच्चा पैदा भी होता है तो उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा और ना ही उसको गवर्नमेंट फैसिलिटीज मिलेगी। और तब जाके 35 सालों तक चीन में केवल एक ही बच्चा पैदा हो रहा था और आज भी उनकी पॉपुलेशन जो है थोड़ी बहुत कंट्रोल में आ चुकी है। अब अचानक क्या होता है कि 2016 से चाइना के जो यंगस्टर लड़के हैं वो शादियां नहीं करते और चाइना की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने की वजह कम हो जाती है। तब कंट्री में ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है और जॉब के लिए एम्प्लॉयज नहीं मिलते, तो चाइना तरह तरह के प्लान्स करता है ताकि ये यंगस्टर लड़के शादी करे, जैसे कॉलेज में डेटिंग, हॉलीडेज बनाता है, कपल्स प्रोग्राम रखता है, ये सब। और इससे उनके जो नंबर ऑफ बर्थ है वो कम होते हैं। भले ही आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं वो इंडिया को इम्पोर्टेंस इसीलिए नहीं देते क्योंकि इंडिया पावरफुल कंट्री है, इसीलिए देते हैं क्योंकि इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा कस्टमर है। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि 2024 में भारत ने एक महीने में इतने ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए हैं जितने अमेरिका पूरे 3 साल में करता है। यहाँ पर आपको नहीं लगता कि सोचने की बात है, लोग तरह तरह की कमेंट्स करते हैं कि 30 करोड़ और 142 करोड़ जनता में फर्क होता है। आज अगर आप लोग देखोगे तो उत्तर प्रदेश ये जो राज्य है इसकी पॉपुलेशन ब्राजील और इक्वेडोर इन बड़े बड़े देशों से काफी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 232 मिलियन है, वही ब्राजील और इक्वेडोर इन दोनों बड़े देशों को मिलाकर 234 मिलियन पॉपुलेशन होती है। यह तो केवल एक राज्य की बात हो रही है। वैसे तो भारत में 40 देशों के बराबर आबादी रहती है। इस मैप में देखिए, बिहार की 129 मिलियन आबादी जो है वो मेक्सिको जैसे बड़े देश को टक्कर देती है। महाराष्ट्र में 125 मिलियन आबादी रहती है जो जापान के 126 मिलियन आबादी से मेल खाती है। वेस्ट बंगाल को देखिए, इसकी 101 मिलियन आबादी इजिप्ट के 107 मिलियन आबादी से कंपेयर होती है। आप इस वीडियो को पॉज करो और पूरी लिस्ट देख लीजिए कितनी ज्यादा आबादी इंडिया में रहती है, और ये दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। वर्ल्ड काउंट वेबसाइट के आंकड़ों की बात करें तो एक दिन में 70,000 से 75,000 तक बच्चे भारत में पैदा होते हैं। इस हिसाब से एक साल में 25 मिलियन बच्चे भारत में पैदा हो रहे हैं। मतलब जापान की जितनी पॉपुलेशन है या फिर जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, टर्की, इन देशों की पॉपुलेशन से भी ज्यादा बच्चे भारत में आने वाले 5 सालों में पैदा हो सकते हैं। भले ही आप लोग चाइना को भला बुरा कहो, लेकिन भारत में 75,000 बच्चे एक दिन में पैदा होते हैं और चाइना में करीब 50,000 से भी कम बच्चे पर डे पैदा होते हैं। वही यूएस में 10,000 से भी कम बच्चे एक दिन में पैदा होते हैं। यही वजह है कि कोई भी देश हो जिसको ट्रेड करना है वो 30 करोड़ वाले देशों को अहमियत नहीं देगा, कोई भी देश नहीं देगा। उनका फोकस होगा ज्यादा कस्टमर, यानी 142 करोड़। आज पूरी दुनिया भारत से अच्छे रिलेशन रखती है। इनको पता है कि दुनिया भर की आबादी के केवल एक स्टेट में ही बसी हुई है, और इसीलिए दुनिया भर का फोकस जो है वो भारत जैसे बड़ी आबादी वाली कंट्री पर रहता है। कोई भी भारत से पंगा लेके अपना लॉस नहीं करेगा। आप देखिए, भारत की आबादी अगर इस तरह से बढ़ जाएगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज तो छोड़ो, खाली जॉब भी नहीं रहेगी, हालात बद से बदतर हो जाएंगे। दुनिया की सबसे ज्यादा रिलीजियस फॉलोअर की लिस्ट भी देखें, 49 मुस्लिम कंट्रीज की आबादी 1.8 बिलियन है, मतलब 50 देशों की मुस्लिम आबादी 1.8 बिलियन है, और केवल भारत के हिंदुओं की जो आबादी है वो 1.2 बिलियन है, मतलब लगभग 600 मिलियन का डिफरेंस है। तो भारत में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या भारत सरकार इस पर कोई रोक नहीं लगाती? जहां यूएस, रशिया, चाइना जैसे बड़े बड़े देश पॉपुलेशन से डरते हैं, तो इंडिया में क्या कोई लॉ नहीं है इसको लेके? इसको थोड़ा हिस्ट्री में जाके समझते हैं। देखो, जब ब्रिटिशर्स भारत पर रूल करते थे तब उनको ज्यादा लेबर की जरूरत थी, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स जो थे वो स्मॉल फैमिलीज वाला आइडिया प्रमोट करते थे। वो चाहते थे कि भारत में अपर और मिडिल क्लास के जो फैमिलीज है वो स्मॉल फैमिली वाला मॉडल अपनाए, लेकिन फिर भी इस पर कोई खास परिणाम नहीं होता। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन जब भारत आजाद हुआ था तो भारत की पॉपुलेशन काफी तेजी से ग्रो कर रही थी। उस वक्त रिसोर्सेस कम थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके 10-10, 14-14 बच्चे थे। इस बात को पंडित नेहरू, जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने नोटिस किया था कि अगर भारत की यही हालत रही तो आगे चल के काफी दिक्कत आ सकती है। तो उनको पता चल गया था कि कुछ भी करके पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाना होगा, और इसलिए उन्होंने 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्थापन किया,
और आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन उस वक्त भारत दुनिया की पहली कंट्री थी जिसने फैमिली प्रोग्राम लॉन्च किया था, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है धनवंती रामाराव को। ये उस वक्त क्वीन मैरी कॉलेज से पढ़ी थी, शादी के बाद ये इंग्लैंड में ट्रैवल करके आई थी, और ये ब्रिटिशर्स के साइमन कमीशन की मेंबर भी रही थी। तो ये ब्रिटिश और यहाँ तक की भारतीय महिलाओं से भी ज्यादा कनेक्ट रहती थी। भारत आजाद होने के बाद ये भारत में वापस आती है और देखती है कि भारत में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक्सेसिव रिप्रोडक्शन रेट काफी ज्यादा है, और इसका एक ही आंसर है, वो है बर्थ कंट्रोल। और तब ये लोगों को समझाती है कि बच्चे पैदा करना भगवान की देन नहीं है, बल्कि आप लोग इसके लिए जिम्मेदार है। दो बच्चे होंगे तो गरीबी कम होगी। बाद में धनवंती 1949 से 1952 तक प्लानिंग एसोसिएशन के काम में लग जाती है। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हो रही थी, महात्मा गांधी और धनवंती दोनों के ओपिनियन अलग अलग थे बर्थ कंट्रोल को लेके। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्शन या पिल्स लोगों को दे दी जाए, ये साफ अगेंस्ट रहा करते थे। ये चाहते थे कि लोग जो है वो खुद पर काबू रखे, सेलिबेसी करें। यहाँ तक कि महात्मा गांधी खुद भी सेलिबेसी प्रैक्टिसेस किया करते थे। ये आर्टिकल्स है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। महात्मा गांधी नेकेड एक्सपेरिमेंट किया करते थे, नाबालिग लड़कियों के साथ सोया करते थे, और ब्रह्मचर्या, इस तरह की प्रैक्टिसेस किया करते थे। धनवंती इसके अगेंस्ट वही करती है जो गांधी के बर्थ कंट्रोल यानी सेलिबेसी प्रैक्टिस से अलग था। लोगों को बर्थ कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स, इसका महत्व समझाती है, और ये 1977 तक इस काम को करती रहती है, और बाद में उन्हें इस काम के लिए पद्म भूषण अवार्ड भी मिलता है। इसके एक साल पीछे यानी 1976 में, इस साल में इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर होती है। ये वेस्टर्न नॉलेज रखती थी, काफी ज्यादा पढ़ी थी। अब होता क्या है कि उस वक्त भारत में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन थी कि ये उस टाइम के हालात थे इंडिया के। अब इंदिरा गांधी जानती थी कि पिछले सालों से भारत की जो आबादी है वो तेजी से ग्रो कर रही है, और कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में इसका परिणाम जरूर दिखेगा। बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, इन सब का जो कारण है वो ओवर पॉपुलेशन है। अब देखिए 1951 में 361 मिलियन पॉपुलेशन थी, और आर्य गोपाल स्वामी के रिपोर्ट्स के अनुसार 500,000 लोग हर साल बढ़ रहे थे, मतलब आज के कंपेयर में 5 गुना कम थे। आज केवल एक मंथ में 25 लाख लोग बढ़ रहे हैं। अब होता क्या है कि भारत 1975 में आर्थिक संकट में था, बारिश नहीं हो रही थी, और बारिश की वजह से फूड प्रोडक्शन गिर चुका था, इंटरनेशनल ऑयल क्राइसिस चल रही थी, बाहर कंट्रीज से जो ऑयल आ रहा था उसके दाम भी बढ़ गए थे, रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई हो चुके थे, और इसी बीच उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की। अब यहाँ पर काफी चीजें हो रही थी, पर हम स्टेरिलाइजेशन कैंपेन की बात करेंगे। इंदिरा गांधी के जो बेटे थे संजय गांधी, उन्होंने इस मास स्टेरिलाइजेशन कैंपेन में काफी इंपोर्टेंट रोल निभाया था। उसमें हो क्या रहा था, सब कुछ एक साथ हो रहा था, फैमिली प्लानिंग, फ्री प्लांटिंग, डॉरी बैन, अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, सोशल कास्टिज्म को खत्म करना, ये सब। संजय गांधी कहते हैं कि यही एकमात्र रास्ता है, सभी धर्मों के लोगों के लिए है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, सभी के लिए कंपलसरी है। अभी ये सब 2 मंथ में करना था। इंदिरा गांधी सेंट्रल गवर्नमेंट को फैमिली प्लानिंग करने के अधिकार देती है, फिर ये हर स्टेट में जाते हैं, कैंपेन सेटअप करते हैं, और लोगों को पकड़कर उनका ऑपरेशन करते हैं। जो लोग भाग जाते हैं उन्हें भी पकड़कर उनका ऑपरेशन किया जाता है, बल्कि पुलिस को गोल्ड मेडल तक दिया जाता है लोगों को पकड़ने पर। जो भी लोग ऑपरेशन करेंगे उनको सर्टिफिकेट ऑफ स्टेरिलाइजेशन मिलेगा, उन लोगों की सैलरी बढ़ेगी, उनका फ्री में इलाज होगा हॉस्पिटल में। ऐसे ऐसे स्कीम देके जगह जगह पर गरीब हो, एजुकेटेड हो, बैचलर हो, शादीशुदा हो, हॉस्पिटल पेशेंट हो, इन सबके ऑपरेशन किए जाते हैं। 300 से भी ज्यादा ऑपरेशन एक दिन में हो रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको फोर्सफुली पकड़कर उनकी सर्जरी की गई थी। उस वक्त 6.2 मिलियन लोगों की नसबंदी यानी स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन किए गए थे। और एक बात, इस स्टेरिलाइजेशन के लिए 1972 से 1980 तक वर्ल्ड बैंक ने भारत को $66 मिलियन का लोन दिया था। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही यह घटना हुई थी, बल्कि स्टेरिलाइजेशन जापान, कनाडा, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, बांग्लादेश, इन देशों में भी फोर्स स्टेरिलाइजेशन होता है। और बाकी लोग इसको किस तरह से देखते हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन अगर उन 62 लाख लोगों का ऑपरेशन नहीं होता तो भारत आज 160, 180 या 200 करोड़ आबादी वाला देश हो सकता था। अभी की बात करें तो देश काफी मॉडर्न हो चुका है, लेकिन फिर भी आप लोगों को सोचने की जरूरत है, हम दो, हमारे दो, इस पॉलिसी से हटके कुछ प्लानिंग अगर सरकार करती है तो ये फ्यूचर के लिए सही होगा। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, उसका भी रीजन पॉपुलेशन ही है। यूएस, कनाडा, इन देशों का एरिया काफी बड़ा है और इसलिए एक्सीडेंट कम होते हैं। इसको और आसान करके समझाता हूँ। मान लो आपके घर में 2 लोग रहते हैं और वो हलचल करते हैं तो काफी कम पॉसिबिलिटी है उनको टकराने की, लेकिन वही अगर आपके घर में 40 लोग रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये काफी ज्यादा टकराएंगे। और इसलिए कितने भी स्ट्रांग कानून को क्यों ना लाया जाए, एक्सीडेंट नहीं रुकने वाले क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन ये वीडियो हर जगह शेयर करो ताकि गवर्नमेंट कोई एक्शन ले और भारत का भविष्य और आने वाली जनरेशन अच्छी लाइफ जी सके।
थैंक यू।